और गवान से इलाके से आए गांव के और हमारे विभाग की सरदारी, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, दूर घरों में मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें, देश का भविष्य, हरियाणा का कल, हरियाणा की ताकत, नौजवान दोस्तों, मंच पर मंचासीन आदरणीय चौधरी हर्ष कुमार जी, पूर्व मंत्री, आपके सुख दुख के साथी, आपके हमदर्द और हमारे अब जेजेपी के सीनियर नेता आदरणीय जगदीश जी नैयर होडल से, आपके अपने पूर्व में मंत्री भी रहे, सम्मानित मंच, सत्तन साहब जिनकी बदौलत आज आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला, नाम लेने लग जाऊंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा, मेरे से आप सभी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। आज एक छोटे से निवेदन पर 5-6 घंटे लंबा इंतजार कर करके आप लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जो आज मोटरसाइकिलों का काफिला बनाकर स्वागत किया, जोश और जज्बे से लैस नौजवान साथी यहां आपके बीच में लेकर के आए, यहां पहुंचने पर बड़े बुजुर्गों ने पुष्प रूपक माला देकर और पगड़ी पहना करके जो आशीर्वाद देने का काम किया है, ये आपके मन में चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो आस्था है, चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। और इस इलाके का जो चौधरी हर्ष कुमार जी के प्रति प्यार है वो भी आज आपकी इस भीड़ में दर्शाता है। मैं आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं और आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से आपने पगड़ी हमारे सिर पर बांधी, दुष्यंत चौटाला इस पगड़ी पर आंच नहीं आने देगा, इस पगड़ी को, विवाद की पगड़ी को नहीं जाने। साथियों, मेरे से पहले वैसे तो तमाम बातें सभी लोगों ने कही, मैं राजनीतिक भाषण देने आपके बीच में नहीं आया, पॉलिटिकल भाषण तो चुनाव का मौसम है, सभी आएंगे जाएंगे, आपने सिर्फ इस बात की पहचान करनी है कि आपका कौन है, आपकी कौन हितों की बात कर सकता है। मेवात जो है ये हरियाणा की एक ऐसी जगह है जो हमारी पार्टी के लिए, जैसे शरीर में दिल धड़कता है तो शरीर चलता है, वैसे ही हमारे इस लोकदल में चौधरी देवीलाल जी के इस पार्टी में अगर दिल कोई है और जो धड़कता है जिसकी वजह से ये पार्टी चल रही है तो मेवात के लोग हैं, मेवात है। आज मैं अपने परिवार के बीच में आया, ये बीजेपी वाले 5 साल पहले ये कहते थे भाई आपको स्वामीनाथन का तोहफा देंगे, यानी आपकी किसान की फसल पे 2 गुना दाम, जो आपका आय लागत है उसमें 2 गुना आय देंगे, ये बात कही थी कि नहीं कही थी, अपनी पूरी हुई ये बात, लागत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। अब कहते हैं भाई 6,000 ले लो और पीछा छोड़ दो, 6,000 का मतलब है 500 रुपए पर मंथ, 500 का मतलब है 17 रुपए डेली, 17 रुपए में गुजारा चल सकता है हमारा, 17 रुपए में तो एक आदमी एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, मोदी जी खा के दिखा दो हम मान जाएंगे। साथियों, ये फसल बीमा योजना शुरू कर दी, आपके खेत में जब चौधरी देवीलाल जी थे और फसल खराब होती थी, इस देश में सबसे पहले मुआवजा देने की बात चौधरी देवीलाल जी ने की थी, लोग कहते थे, बंसीलाल जी कहते थे कि मुआवजा कैसे दोगे, मैं तो वकील हूं, मैं ही नहीं दे सका, और तुम अनपढ़ जाट कहां से मुआवजा दोगे, मगर चौधरी देवीलाल ने कहा भाई मुआवजा मैं दूंगा जब सत्ता में आऊंगा, मैं कोई चंडीगढ़ भेड़ बकरी चराने नहीं जाऊंगा, कानून बनाने जाऊंगा, मुआवजा दिया किसानों के कर्जे माफ किए। और ये अब कहते हैं भाई फसल बीमा योजना में आपका पैसा काटते हैं केसीसी की लिमिटों से, और वो कहते हैं हजम करके डकार भी नहीं देते,
जब मुआवजा देने की बात आए तो कहते हैं 70% 80% फसल खराब होगी तब देंगे। ये कैसा कानून है? 66,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की कंपनी कमा गई इस फसल बीमा योजना में, और सिर्फ 10% पैसा वापस दिया है। किसका पैसा है ये? ये पैसा किसी धन्ना सेठ का नहीं, किसान की जेब का पैसा है जो आज पूंजीपति के पास। साथियों, नौजवान कितने हमारे भाई, मेवात में तो नौजवानों की फौज है, पर मेवात के नौजवानों ने जो है ना अपनी इस नौजवानी को इस देश के प्रति समर्पित किया है। आज कितने लोगों को नौकरी मिली, हम मेवली गांव आली में कितने लोगों को नौकरी मिली, अगर हम ढूंढने लग जाएंगे बताओ बेटे वालों, तो इक्का दुक्का मिली होगी तो भी कच्ची मिली होगी, पक्की नौकरी नहीं मिली होगी। साथियों, आज कर्मचारी दुखी, आज व्यापारी दुखी, आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं पढ़ाने को, शिक्षक नहीं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कब आएंगे भाई अच्छे दिन? 15-15 लाख आए किसी भाई के, ये नौजवानों तुम बैठे हो, 1500 भी नहीं दिए, और तो और आपकी जेब से डलवाते हैं कि इनको चला लो जन, कोई नहीं तो ये बंद हो जाए। नोटबंदी लागू हुई हुई कि नहीं? लाइन में लगे थे नौजवानों तुम, ये मेरी उम्र के बैठे हो, ढीले ढीले मत बोलो भाई, बताओ लाइन में लगे थे? किस उम्मीद में लगे थे? इस उम्मीद में लगे थे कि देश बदलेगा, देश बदलेगा, करप्शन खत्म हो जाएगी। अरे आप लोगों के पास काला धन थोड़ी है, काला धन किसके पास है? जिसकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। आपने कहीं टाटा की छोरी और बिरला का दामाद लाइन में लगा देखा? कहीं रही ज्यादा लाइन में लगे देखे? ललित मोदी दिखा हो लाइन में, किंग फिशर का मालिक दिखा हो? कहीं नहीं दिखे। गरीब आदमी लाइन में लगा रहा, बावड़ा बना गए, 500 में पहले पीछा छुड़वा लिया करते, ये गुलाबी रंग का नया चला दिया 2000 का, इससे कम में अधिकारी आजकल मानता ही नहीं। पर मेरी माताएं बहनें सुन रही होंगी दूर घरों में, उनके साथ तो सबसे ज्यादा धोखा हुआ, कोई बहू बेटी के लिए अलग से रखा था, वो भी इन कमबख्तों ने निकलवा लिया। साथियों, हमारा इस विवाद के लोगों का बीजेपी से क्या मेल? कोई मेल नहीं है। ये राम के नाम पर, गाय गीता के नाम पर, सरस्वती नदी के नाम पर, कभी किसी और नाम पर लूटते ठगते आए, अब ये इतने कड़े कानून बना दिए, पशु लेकर नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, बढ़ाए कि नहीं? अब यहां पे पीछे चर्चा चली, अरे खट्टर साहब आप इन घरों में आकर के देखो, आपको गाय बनी नजर आएंगी। गाय का सम्मान क्या होता है खट्टर साहब? मोदी जी आओ मेवात में देखो, आपको पता चलेगा। और तुम्हारे खट्टर साहब घर में जाएंगे तो काले कुत्ते बने नजर आएंगे, गाय बनी नजर नहीं आएगी। ये बीजेपी की असलियत है। इसलिए साथियों, आज इकट्ठे हो जाओ, आपका सबसे ज्यादा अगर हितैषी कोई है, आपकी सोच सकता है, सत्ता में हिस्सेदारी दे सकता है, भागीदारी दे सकता है, नौकरी दे सकता है, ये मेरी उम्र के बैठे हो, तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है भाइयों, तो चौधरी हर्ष कुमार जी है, कोई दूसरा नहीं है। अब चुनाव आएगा तो क्या होगा? एक बीएसपी का खड़ा होगा वो भी, और एक कोई और पार्टी का भी हमारे यहां से मुस्लिम कैंडिडेट होगा, हम फिर बढ़ जाएंगे। और ये जात पात का नारा, धर्म का नारा देकर बीजेपी वालों की जो नाव पार उतर जाए, तो आप लोग सतर्क हो गए कि इस बार इनके ये जो खड़े करेंगे, ये समाज को बांटने के नाम पे ये जो खड़े करेंगे दूसरे कैंडिडेट, ये बीजेपी वाले करेंगे, आप इस बात से सतर्क हो जाइए। और जहां तक अल्पसंख्यक हमारे मोमडन कम्युनिटी की बात है, जो हमारा अपना परिवार है, आप चिंता मत करियो, जहां आपका नेतृत्व तो हर्ष कुमार जी करेंगे चंडीगढ़ में जाके, कलम की चौदर होगी इनके हाथ में। मैं आपको वादा देता हूं कि जहां कुशन जी के एक तरफ ये बैठेंगे, वहीं मेवात की शान भी हम
हमारे मोमडन कम्युनिटी का भी आज जो कोई हिस्सेदारी नहीं, मैं आपको वादा देता हूं कि सत्ता आएगी तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी हम विवाद को दिलवाने का काम उसमें करेंगे। दुष्यंत की दूसरी तरफ हमारी विवाद के नुमाइंदों को बिठाने का, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज ये मौका चूकने का नहीं है। आप सरकार लाओ, ये कहते हैं कि नहर होनी चाहिए, निवाद कैनाल में पानी आना चाहिए, हमारे लिए ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सरकार बनेगी तो चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए, निवाद के खेत के अंतिम तेल तक पानी लाने का काम दुष्यंत आपका लाडला करेगा। जो कर्जा चढ़ गया किसानों के, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने माफ किए थे कर्जा, माफ देवीलाल माफ हुए थे कि नहीं, ये दुष्यंत भी हुई जाएंगे। और 24 घंटे आप हमें देवेना सरकार बनने के बाद कर्जा माफ, दुष्यंत चौधरी देवीलाल जी की सोच पर हस्ताक्षर करेगा। आज जो स्वामीनाथन जब तक लागू नहीं हो जाते तब तक आपकी हर फसल पर, हरियाणा की सरकार जेजेपी की बनेगी तो 10% बोनस किसान को देगी हर फसल पर। और भाई नौजवानों, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं, अब चौधरी साहब बैठे हैं आपके बीच, आप पढ़े लिखे जो हो, आप सिर्फ नाम दे दियो, हम जाने और हमारा काम। विवाद के अंदर नौजवानों को खाली घर पे नहीं बैठने देंगे, पक्का काम, पक्की नौकरी, सारी नौकरी दिलाना। इसलिए चाहे बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन हो, 2000 कम है, महंगाई कितनी ज्यादा है, 2000 से उसको 3000 करने का काम पहली कलम से करें, समय पर मिले इसलिए उसको 55 वर्ष करेंगे महिला के लिए, और पुरुष के लिए 58 वर्ष से पेंशन देने की शुरुआत करें। गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड जिनके इस सरकार ने काट दिए, ये समझ लियो कि एक महीने में सरकार बनने के बाद उनके रिन्यू करवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जिसके पास पक्का मकान नहीं रहने को, उसको पक्का मकान और उस जमीन पर उसकी रजिस्ट्री गरीब आदमी करवाकर उसका मालिकाना हक देने का काम। साथियों, ये बहुत जरूरी अवसर आया है, 12 मई की तारीख भी और फिर आगे विधानसभा में भी आएगा। हमने चुपड़ा नहीं है, ये तरह तरह का जहर घोले के ये फिर शुरू हो जाएगा जो ये बीजेपी का प्रोपगेंडा है, और ये आपको बांटकर ये एक ही सोच से जीत सकते हैं बीजेपी वाले कि भाई मेव बट जाए, मेवाती बट जाए तो बीजेपी का दाव लग जाए, और तो कोई दूसरा जरिया नहीं। इस सीट पे तो चौधर आपके हाथ से आनी है, इसलिए बट मत जाना। कहीं ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, स्पॉन्सर समझते हो क्या भाई, बीजेपी का ही कैंडिडेट बीजेपी के पैसे पर किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेके भी आएगा आपके बीच में, उससे सतर्क रहना, अपने वोट को जाया मत जाने देना, जिससे बीजेपी को ताकत मिले। बीजेपी को सबक अगर सिखा सकता है कोई, ये तो आपने जींद में भी देख लिया कि टक्कर कोई ले सकता है बीजेपी से तो वो जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला है, कोई दूसरी पार्टी। इसलिए मैं आपसे आज आपसे मिलने, आपको सलाम वालेकुम कहने, आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने और आप लोगों से ये मिलन हो, और जिस हिसाब से आप लोगों ने आज जो आज आप लोगों से मिलना हुआ और आपने मान सम्मान दिया, सत्कार दिया, एक बात और मैं कहने भूल गया था, मैं पहले सोच भी रहा था, हमारे यहां ड्राइविंग लाइसेंस की भी बड़ी दिक्कत है कि नहीं है। ये जो बीजेपी ने, अरे एक शुरुआत इसकी कांग्रेस में ही हो गई थी, आप इसकी चिंता मत करो, इसका सबसे पहले समाधान करेंगे यहां के ड्राइवरों की दिक्कत। तो आप लोग संगठित हो, लामबंद हो, और चौधरी देवीलाल जी जो आप निवासियों के अपने रहे, जिन्होंने सदैव विवाद को अपने गले से लगा करके रखा, इसलिए वो समय फिर वापस आए, उनके अधूरे सपने पूरे हो और विवाद जो है वो प्रोग्रेस के रास्ते पर यानी डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े, ये सोच लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम।